हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ऐसी पिक्चर पजल बताने वाली हूँ कि जिन्हें हल करने के लिए आपको थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा। तो भाई, इन सभी पजल को जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पजल नंबर 1। एक 5-स्टार होटल के रूम में कुछ सिंगल बेड लगे हुए थे। अगर हर एक बेड पर एक आदमी सोता है तो एक बेड कम पड़ जाएगा, और अगर हर एक बेड पर दो आदमी सोते हैं तो एक बेड खाली रह जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो क्या कि वहाँ पर कितने बेड थे और कितने आदमी थे? तो भाई, जरा अच्छे से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। वहां पर टोटल 3 बेड थे और 4 लोग थे। सब लोग एक एक करके सोएंगे तो एक बेड कम पड़ जाएगा, और अगर एक बेड पर दो दो लोग सोएंगे तो एक बेड बच जाएगा। तो कैलकुलेशन ठीक है ना भाई? और अगर आपको इसका कोई और जवाब आता हो तो वहां हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पजल नंबर 2। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ऑड वन आउट बताने वाली हूँ जो आपको चकमा देने वाली है। तो भाई, इस इमेज को जरा अच्छे से देखिए और अब हमें बताइए कि इनमें से कौन सी इमेज ऑड वन आउट है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, पता चला क्या आपको कि इनमें से कौन सी इमेज ऑड वन आउट है? नहीं पता? अरे यार, यह देखिए, 5 नंबर वाली इमेज ऑड वन आउट है। दिखाई दी ना दोस्तों, किस किस ने यह ऑड वन आउट सही गेस की थी? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली नंबर 3। मेरे आने का सभी को इंतजार होता है, लेकिन जब भी मैं आता हूँ तो मेरा नाम बदल जाता है। तो भाई दोस्तों, जरा सोचो सोचो और 10 सेकंड से पहले अपना जवाब कमेंट करो। तो दोस्तों, पता चला क्या आपको कि वह क्या है? नहीं पता? अरे यार, यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करने का था। उसका सही जवाब है कल। हाँ दोस्तों, कल का सभी को इंतजार रहता है, लेकिन जब भी कल आता है तो उसका नाम आज में बदल जाता है। पजल नंबर 4। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी पिक्चर पजल बताने वाली हूँ जो थोड़ी हार्ड है। तो भाई, इस पिक्चर को जरा अच्छे से देखिए और अब हमें बताइए कि यह किस लड़के का नाम है। तो भाई, जरा ध्यान से सोचिए, कहीं यह आपका जाना पहचाना नाम तो नहीं? तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, पता चला क्या आपको कि यह किस लड़के का नाम है? नहीं पता? अरे यार, यह तो बहुत ही सिंपल था। उस लड़के का नाम है त्रिलोचन। देखिए भाई, सबसे पहले है ट्री और बाद में है आंखें, जिसे हम लोचन भी कहते हैं ना। तो दोनों मिलाकर हो गया ना त्रिलोचन।
दोस्तों, यह पजल किस किस को हार्ड गई थी तो वहाँ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।